नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। अमेरिका में पिछले 2-3 दिनों से क्या कुछ हो रहा है सब जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है, उनकी निंदा हो रही है, और जो भी उन्होंने उकसावे वाला भाषण दिया, जो वीडियो वायरल हुआ, जो भी उन्होंने कहा, उसके बाद ट्रंप समर्थकों ने जो भी चीजें की हैं अमेरिका में, वो सब जानते हैं। और यही वजह है कि अब हर तरफ से आलोचना का सामना डोनाल्ड ट्रंप को करना पड़ रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर अमेरिका से निकलकर सामने आई है, और वो ये कि 20 जनवरी को जब जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो फिर उसमें डोनाल्ड ट्रंप हिस्सा नहीं लेंगे। और इस बात की जानकारी खुद ट्रंप ने ट्वीट करके दी है। ये तो हमने आपको बताया था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट तो उनका फिलहाल बैन किया गया है 12 दिन के लिए। खबर ये भी है कि अगर इसी तरीके की उनकी हरकतें रही, तो फिर अनिश्चितकालीन उनका ये जो अकाउंट है, ये बैन किया जा सकता है। लेकिन इन सबके बीच 20 जनवरी को इस समारोह में नहीं जाएंगे। आपको बता दें, 1869 में अमेरिका के 17वें राष्ट्रपति थे एंड्रयू जॉनसन। उनके बाद ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति होंगे जो अपने उत्तराधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। आपको याद ही होगा 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी, जब उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ था, तो उस वक्त जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, वो शामिल हुए थे। उसके अलावा 2009 में जब बराक ओबामा बने थे, तो उस वक्त जो रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, वो शामिल हुए थे। तो ये एक प्रथा है, ये एक परंपरा है अमेरिका की, कि जब भी कोई नया राष्ट्रपति चुना जाता है, शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो फिर जो तत्कालीन राष्ट्रपति होता है वो जरूर शामिल होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के केस में ऐसा नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ आपको बता दें, ये जो 11 या 12 दिन का कार्यकाल बचा है अभी डोनाल्ड ट्रंप का, उससे उनको बर्खास्त करने की मांग उठ रही है। यही वजह है कि अमेरिकी संसद में महाअभियोग प्रस्ताव भी पेश किया गया था। ये कहा गया था अमेरिकी संसद में कि हम बचे हुए दिनों में भी अब डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति के पद पर नहीं देखना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी छीछालेदर करवा दी है। और यही वजह है कि हर तरफ से उनको आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। आपको याद होगा जब ट्रंप समर्थकों ने व्हाइट कैपिटल के बाहर प्रदर्शन किया था, 4 लोगों की मौत हुई थी, गोलीबारी हुई थी, और जिस तरीके से नारे लगाए गए थे, तो अपने समर्थकों को शांत करने से पहले ट्रंप ने बकायदा उन्हें आई लव यू कहा था। यही वजह है कि ट्रंप की जितनी निंदा की जाए, और जो जख्म उन्होंने जाते जाते अमेरिका को दिया है, वो तो कभी नहीं भर पाएगा। तो ये जो ठप्पा, ये जो धब्बा लगा है अमेरिकी राष्ट्रपति पर, डोनाल्ड ट्रंप पर, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।